नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर मेरी आवाज पर मिलने पहुंचे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदनलाल ने दिलावर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध संसद में बिल पारित करेगी मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे। मदन दिलावर बूंदी निजी आवास पर मिलने पहुंचे भजनलाल सरकार के मंत्री। मदन दिलावर ने कहा कि धर्मांतरण के मामले में संसद में बिल पारित हो गए, यह देश की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ताकि कोई भी समाज हिंदू समाज पर अत्याचार करके बलपूर्वक धर्मांतरण करवाने के विरुद्ध आने वाली भाजपा सरकार केंद्र सरकार जल्द निर्णय करेगी। पेपर लीक के मामले में एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुए थे, बल्कि पेपर निकाल कर बेचे गए थे। ऐसा करके गहलोत और डोटासरा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। दिलावर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगे, जिसमें कोटा बूंदी की सीट पर भी जीत होगी। दिलवार ने बताया कि रामगंज मंडी दौरे के दौरान विरोधियों ने बहलाकर फुसलाकर नरेगा की महिलाओं को मेरा रास्ता रोकने को कहा था। महिलाओं ने नरेगा में रोजगार देने की बात कही थी, उसने उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की। वहां के आपराधिक व्यक्ति द्वारा महिलाओं को आगे किया था, बाद में उन महिलाओं को आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद नरेगा के मामले को देखेंगे, उसके बाद महिलाएं हट गई थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ प्रेस वार्ता में कालूलाल जांगिर, स्वयंसेवक संघ के रमेश जैन, भाजपा पूर्व जिला प्रवक्ता अंचल राठौर, भाजपा पूर्व शहर मंत्री राजेश खोलवा, पूर्व पार्षद प्रेम जांगिर आदि मौजूद थे। डॉक्टर आर्थ हमें आपसे मिली, एक बात लोग मेरे से पूछते बार बार कि सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 क्या था। ये कांग्रेस के द्वारा सोनिया गांधी के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन करके एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम जो प्रस्तावित था उसको लोकसभा में पास करवाना चाहते थे। उसमें प्रावधान थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में झगड़ा हो जाए, आपस में दंगा हो जाए, और उसके तहत हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करे मुसलमान, उनके घर जला दे, हिंदुओं की हत्या कर दे, तब भी मुस्लिम आरोपी नहीं कहलाएगा। बीजेपी ने क्या किया? बल्कि हिंदू ही दोषी होगा इसके लिए, और हिंदुओं के ऊपर ही कार्रवाई होगी। ये लोकसभा में नहीं लाया गया, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रबल विरोध किया, उसके कारण से विधेयक लोकसभा में नहीं लाया जा सका, अन्यथा ये देश बर्बाद हो जाता। इस कांग्रेस का मकसद था कि हिंदुओं के घरों को मुसलमान लूटे, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जाए, और सार्वजनिक रूप से हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम बलात्कार करें, तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या अब इसमें एक प्रावधान और था, यदि वहाँ का प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। तीसरा प्रावधान ये था, यदि राज्य सरकार मुसलमानों को पक्ष नहीं लेती है और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रावधान था। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे कांग्रेस के नेता और हमारे गोविंद सिंह डोडासरा जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अशोक जी गहलोत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इन सब की भी सहमति थी, और इन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। एक तो सहमति दी कि हाँ ये ठीक है, ये लोकसभा में लाया जाना चाहिए,
ताकि इस देश को बर्बाद किया जा सके और इस्लाम का झंडा फहराया जा सके और इस भारत को इस्लाम देश घोषित किया जा सके, ये षड्यंत्र था इस देश को बर्बाद करने का कांग्रेस का। सर पेपर लीक मामले में अभी तो छोटे छोटे को पकड़ा जा रहा है, क्या बड़ों का नंबर भी आएगा क्या? देखो क्या है, लगातार पकड़ने आ रहे हैं और ये सीढ़ी से लगातार चढ़ा है, एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी, अब छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, अपराधी है उसमें कोई राजनीतिक अपराधी नहीं, ऐसा नहीं, वो पकड़े जा रहे हैं। अब मगरमच्छों के ऊपर भी ईडी की निगाह है, जांच मेरी जानकारी के अनुसार जितना मैं पढ़ता हूँ समझ रहा हूँ देख रहा हूँ उसके अनुसार लगता है कि ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है शिकंजा कसने की तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ऊपर और गोविंद सिंह डोडासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके। अब इससे पूछा गया एक जगह, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या ईडी ने आपको बताया है क्या? नहीं, मेरे को नहीं बताया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की देखरेख में राजस्थान शिक्षा संकुल में पेपर रखा गया स्ट्रांग रूम में और चाबी भी राजीव गांधी स्टडी सर्कल को लोगों को दे दी गई और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग कौन थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने ही चाबी से स्ट्रांग लॉक खोला और वहाँ से जो जो पेपर रखे जाते रहे वो पेपर बेचते रहे। ये बात अशोक जी गहलोत और गोविंद सिंह डोडासरा के बिना हो नहीं सकती, ये षड्यंत्र उन्होंने किया है और अरबों रुपये कमाया है, अब बचेंगे नहीं। अब ये उसी तरह जिस प्रकार से केजरीवाल ने कई रातें जेल में बिताई है उसी प्रकार से अशोक जी गहलोत साहब और गोविंद सिंह डोडासरा होने वाले हैं। ये वहाँ चक्की पीसने वाले, आटा पीसेंगे, मिर्ची बांटेंगे और कैदियों की कुछ दिन सेवा करेंगे। सर अभी आज में आपने बताया डोडासरा जी जेल जाएंगे तो उस पर आज उनका बयान है कि हम जेल तो जाएंगे लेकिन उनसे मिलने को जाएंगे। अच्छी बात है जी, क्योंकि हम तो जेल हमेशा समाज के लिए देश के लिए अच्छे कामों के लिए जाते रहे हैं जी, और जब हम जेल में निरीक्षण करने जाए जी तो वहाँ मिलेंगे मुझे तो अच्छा है। सर धारीवाल जी पे आपने इतने आरोप लगाए, उनको कौन बचा रहा है? रिवर फ्रंट समेत कई आरोप लगाए, कौन बचा रहा है उनको? कोई नहीं बचा रहा, अब तक कार्रवाई नहीं हो रही, होगी चिंता मत करो। अभी तो हमारी सरकार का 60 दिन भी वर्किंग डे पूरे नहीं हुए। स्कूली शिक्षा में अकबर को मान बताया जा रहा है सर, अब तो आपके शिक्षा मंत्रियों के बदलाव होगा शिक्षण में। देखो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अभी अकबर को मान बताया जा रहा है, मैंने कहा हमको ये पढ़ाया गया कि अकबर महान है, हमारे साथ धोखा हुआ है, अकबर मान हो ही नहीं सकता। अकबर आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था। अब लोगों ने पूछा आप बलात्कारी कैसे कर रहे, तो मैंने ये भी पढ़ाया कि मीना बाजार लगा करके सुंदर लड़कियां जो महिला उसमें जाती थी उसको उठा करके ले जाते थे लोग और अकबर को परोसते थे, अकबर उनके साथ बलात्कार करता था, इसलिए बलात्कारी कभी महान नहीं हो सकता। ये अकबर कांग्रेसियों का एक आदर्श पुरुष है, उनका भगवान है, वो बलात्कारियों को भगवान मानते हैं, लुटेरों को भगवान मानते हैं, बलात्कारियों को भगवान मानते हैं, तो कांग्रेस ने उनके हिसाब से अच्छा कहा होगा क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है तो कि देश के जितने भी दुश्मन होते हैं उनके मित्र होते हैं, तो उनके आदर्श होते हैं देश के दुश्मन। ऐसा लोकसभा चुनाव है, प्रहलाद गुंजल ने भाजपा के ओम बिरला पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने कोटा और बूंदी के लिए क्या किया है, जवाब दें, क्या कहना चाहेंगे? आप ये बात बिरला जी से पूछेंगे तो अच्छा है, आप भी मंत्री है, आप भी मंत्री, क्या कहेंगे? ये बात बिरला जी से करें और घर जाकर करें और पूछे कि भाई क्या क्या किया है आपने। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूँ, आपको तो काम दिखाई दे रहा है, अब जिसको काम नहीं दिखाई दे रहा हो वो जाकर के पूछ ले।
तो क्या मानते हैं प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला में जो प्रत्याशी घोषित किए गए? भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीट जीतेगी, उस पर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। सर कल परसों जो रामगंज मंडी में हुआ था, इसके मामले में क्या कहना है आपके साथ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ जो सर, हाँ मैं बताऊँगा, चिंता मत करो। मकसूद नाम का एक व्यक्ति वह सरपंच है, उसने 4-5 साल पहले एक घरों में घुस करके कुछ लोगों पर हमला किया और वो इतना बड़ा गुंडा है कि उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई कांग्रेस के बाद। लेकिन मैं जो MLA बना और जब मुझे लगा तो मैंने पूरी ताकत के साथ प्रशासन से बात की, सबसे बात की, और मैंने उनको धमकी दी यदि गुंडा पकड़ में नहीं आया तो मैं धरना दूंगा। IG को इंटरव्यू करना पड़ा और उसको लगभग 1-1.5 महीने जेल में रहना पड़ा। अब उसकी पत्नी सरपंच है, तो गांव में मेरी सभा हुई है, अच्छी हुई है, सब अच्छा हुआ है। जब मैं गांव में गया तो जहाँ मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ कुछ महिलाएँ उनके समर्थन की होगी जो उनको मजदूरी देते हुए वो लाकर खड़ी की गई थी और वो खड़ी हो गई, हम नहीं जाने देंगे, तो हमने बात क्या है हमारे नरेगा चल रहा है, नरेगा चल जाएगा, उन लोगों ने उसके उकसाने पर किया है। ठीक सर।